जैसा कि देख रहे हैं, आज हम है मैहर धाम में माँ शारदा भवानी के दिव्य दरबार में, और आप सभी को संपूर्ण यात्रा का विवरण मैं बताऊंगा कि कैसे आप पहुंचेंगे, यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है, चाहे परिवार के साथ आ रहे हैं, माता पिता बच्चे पत्नी के साथ या दोस्त मित्रों के साथ। यहाँ देखिए तमाम तरह के होटल लॉज आपको रहने के लिए मिल जाएगा। देखिए हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और माता रानी के दरबार में जा रहे हैं। यहाँ पे 350 में आपको रहने का नहाने का सुविधा मिल जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग प्रसाद ले लिए हैं, ये 100 रुपया का प्रसाद पड़ा है। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग रोपवे का जो बॉक्स है इसमें बैठ गए हैं। जो लोग यहाँ पे दर्शन करने आए तो मान लीजिए परिवार के साथ आते हैं तो कितना खर्च आ जाता होगा, एक अनुमान कोई आए यहाँ पे दर्शन करने। मैक्सिमम सरोवर है, ऐसी मान्यता है कि यहीं से अलाउद्दीन जो माँ शारदा के अनन्य भक्त हैं, जो आज भी ऐसी मान्यता है कि वो जीवित है और सुबह वो पुष्प तोड़ के माता के चरणों में अर्पित करते हैं। अब हम उस जगह पे हैं जहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे अलाउद्दीन जी का अखाड़ा है, यहाँ पे वो मल्ल युद्ध किया करते थे। जय माता दी। जैसा कि देख रहे हैं आज हम है मैहर धाम में माँ शारदा भवानी के दिव्य दरबार में, और आप सभी को संपूर्ण यात्रा का विवरण मैं बताऊंगा कि कैसे आप पहुंचेंगे, यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है, ये कितना खर्च आ जाता है, नहाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, रोपवे से जाएंगे सीढ़ी से जाएंगे, संपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलेगा, चाहे परिवार के साथ आ रहे हैं, माता पिता बच्चे पत्नी के साथ या दोस्त मित्रों के साथ। तो ये मैहर स्टेशन है, हमारा यात्रा यहीं से शुरुआत होता है। मैहर स्टेशन पर आप आ जाएंगे ट्रेन के माध्यम से कहीं से भी देश के विभिन्न क्षेत्रों से। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये ऑटो लगा हुआ है, यहाँ पे मैहर धाम जाने के लिए रिजर्व करके जा सकते हैं या सार्वजनिक 20-30 रुपया लगता है, आप जा सकते हैं। यहाँ 7-8 किलोमीटर मैहर धाम है, इसके बाद ही ये बाहर निकलने का रास्ता है रेलवे परिसर से, तो यहाँ पे होटल आपको लाज मिल जाएगा। चलिए मैं वहाँ भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसा कि हम मैहर परिसर जो रेलवे स्टेशन है उससे बाहर आ गए हैं और यहाँ पे देखिए ऑटो स्टैंड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है और यहाँ पे एक चौराहा है, यहाँ पे आएंगे तो ऑटो का सवारी 20 रुपया प्रति व्यक्ति लगेगा और रिजर्व करके जाते हैं तो 150-200 रुपया ये खर्च आएगा। परिवार के साथ आप आते हैं तो दोस्त मित्र परिवार के साथ आते हैं तो यहाँ देखिए तमाम तरह के होटल लॉज आपको रहने के लिए मिल जाएगा। जो सामान्यतः किराया मान लीजिए 600-700 रुपया है, आप इसी टाइम बुक करते हैं तो अगले दिन इसी टाइम पे रहेगा, ठीक है। एक रूम में 3 लोग अलाउ है, सब लॉज जो है अलग अलग रूल है उनका, लेकिन यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहता है नहाने धोने के, और यहाँ से ऑटो आप रिजर्व करके या सवारी में जा सकते हैं। देखिए हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और माता रानी के दरबार में जा रहे हैं। देखिए जैसा कि देख रहे हैं हम स्टेशन से माँ शारदा भवानी के दरबार में आ गए हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको रहने का व्यवस्था, नहाने खाने पीने का जो होता है वो सभी का समाधान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रहने का भी व्यवस्था ये देख रहे हैं मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। और जो स्टेशन पर मैंने दिखाया कि 700 रुपया लग रहा है, यहाँ पे 350 में आपको रहने का नहाने का सुविधा मिल जाएगा, एक साथ 2 या 3 लोग रूम में रह सकते हैं और जस्ट इसी के थोड़े से बगल में ही खाने का व्यवस्था है। मैं पहली बार जब खाया था तो 15 रुपया थाली था, अभी या वही होगा या 5-2 रुपया बढ़ा होगा। उसके बाद वो सामने रोपवे है और उसी के बगल में सीढ़ी वाला सिस्टम है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, रोपवे का कितना जाने आने का किराया मैं दिखाऊंगा, सीढ़ी कितना है वो भी मैं चल के दिखाऊंगा अगर सीढ़ी से जाऊंगा तो। और यहाँ पे बहुत सारे फूल प्रसाद की दुकान है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं और यहाँ पे जूता चप्पल रख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट वहाँ से उतरिए, ठीक है, स्टेशन से वहाँ पे मैंने दिखाया वहाँ भी रह सकते हैं, वो प्राइवेट है, लेकिन यहाँ पे जब मंदिर आएंगे तो यहाँ पे देखिए मंदिर समिति द्वारा 300-350 किराया लगेगा। यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक आईडी कार्ड आपको दिखाना होगा, पैसा तुरंत जमा करना होगा और जितना रहने का समय रहता है अन्य होटलों में उतना भी यहाँ समय, देखिए यात्री निवास क्रम संख्या 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ चल के हम अंदर से देखेंगे, बारिश होने लगा है और पीछे पहाड़ी पूरा देख रहे हैं माँ शारदा देवी भवानी का। तो अभी लोग तैयार होकर हम लोग जाएंगे दर्शन करेंगे और हो सकता है तो आप लोग यहीं आइएगा, काफ़ी मंदिर के पास में ही है, जूता चप्पल यहाँ से खोल के जा सकते हैं। वहाँ बहुत पहले दूर रुक जाएंगे, अनजान लोग टेम्पो वाले के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उधर ही जूता चप्पल 1 किलोमीटर दूर ही खोल देते हैं, वहाँ से पैदल आते हैं यहाँ पे दर्शन करके फिर जाते हैं अपना लेकर। लेकिन आप यहाँ पे आ सकते हैं, माँ मैहर देवी प्रबंधन समिति द्वारा संचालित आवास निवास है, यहाँ पे आप रह सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं कितनी स्वच्छता है यहाँ पे, एकदम होटल जैसा है पूरा, ये टाइल्स लगा हुआ है और ये देख रहे हैं इधर रूम है और सेकेंड फ्लोर पे हम लोग हैं और नीचे का नज़ारा देखिए कितना बढ़िया, पार्किंग वगैरह है और फुलवारी है, तो यहाँ भी इधर क्षेत्र में भी देख सकते हैं, तो काफ़ी रहने की अच्छी सुविधा है।
अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो आराम से यहां आकर रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया था कि रेलवे स्टेशन मैहर स्टेशन पे भी आप होटल में रह सकते हैं और यहां मंदिर समिति द्वारा भी रह सकते हैं निवास में, दोनों आपको जो अच्छा लगे वहां पे आप रह सकते हैं। लेकिन यहां लीजिएगा तो रूम देखकर अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए हम प्रसाद लेते हैं, इसके बाद यात्रा शुरू करते हैं, इसके बाद यात्रा का वीडियो आप सभी को हम दिखाते हैं। और एक यहाँ पे ये भी जानकारी है कि मान लीजिए यहाँ रूम नहीं लेना चाहते हैं, केवल स्नान वगैरह करना चाहते हैं, तो वो भी 10 रुपया शुल्क देकर स्नान करके अपना अगर छोटा सा बैग है तो लेकर आप मंदिर के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आप परिवार के साथ है, ज़्यादा सामान है, तभी आप अपना यहाँ पे रूम बुक करिएगा। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग प्रसाद ले लिए हैं, ये 100 रुपया का प्रसाद पड़ा है। जैसा आप चाहें इसमें बढ़ा भी सकते हैं, जितना बड़ा पैकेट रहेगा उतना दाम मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पे घूम भी रहे दलाल टाइप के लोग, अपने स्वेच्छा से भी ले सकते हैं और उनके द्वारा भी ले सकते हैं। जहाँ प्रसाद लेंगे वहीं पे जूता चप्पल भी खोल सकते हैं। और हम लोग रोपवे से जाएंगे, समय कम है इसलिए 150 रुपया प्रति व्यक्ति लग रहा है जाने और आने दोनों के लिए। तो हम लोग रोपवे से जाएंगे और माता रानी का दर्शन करेंगे। देखिए रोपवे का टिकट ले लेने के बाद उसी के बगल में यहाँ भी जूता चप्पल रख सकते हैं। अगर आप फूल प्रसाद वाले दुकान पर नहीं रखेंगे तो यहाँ भी आप जूता चप्पल रख सकते हैं, चोरी नहीं होता है। और यहाँ रोपवे से उतर कर अपना वापस जूता चप्पल पहन सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रोपवे जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय आपको इंतज़ार करना होगा। अगर भीड़ रहता है तो आपका नंबर आएगा तो आपको भेजा जाएगा। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आराम करने के बाद ऊपर हमारा जब नंबर आ जाता है तो रोपवे से हम लोग जाते हैं। यही देखिए रोपवे चढ़ने का यहीं से शुरुआत होता है, यहाँ पे लोग रोपवे पे चढ़ रहे हैं, हम लोग भी यहीं से चढ़ेंगे और रोपवे से ऊपर मंदिर धाम में जाएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए हमारा यात्रा शुरू हो जाता है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, देख रहे हैं कितना अद्भुत लग रहा है और काफ़ी हरा भरा जंगल है। देख रहे हैं हम लोग रोपवे का जो बॉक्स है इसमें बैठ गए हैं और ये चारों तरफ से पैक है, एक साथ 4 लोग इसमें बैठ सकते हैं, 2 लोग इस साइड में 2 लोग इस साइड में बैठ सकते हैं। और यहाँ खूबसूरत पहाड़ी का नज़ारा देखिए, बरसात में घूमने का जो अलग ही अंदाज है इसका, प्रकृति का सुंदर नज़ारा। और ये पहाड़ काफी ऊपर अभी चढ़ाई है, यहाँ से आ रहे थे, इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे, काफी अच्छा लग रहा है। रोपवे पर चढ़ने में लगभग 8-10 मिनट तक का समय लग जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे चढ़ना होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं हम लोग रोपवे से उतर के आ गए हैं, ये रोपवे था, हम लोग अभी उतर के आए हैं और माता का मंदिर ऊपर है, कुछ सीढ़ी और चढ़ के जाना होगा, ज़्यादा नहीं है बस थोड़ा सा है, इसके बाद माता जी का दर्शन होगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चलिए मैं दिखाता हूँ माता रानी का दिव्य दरबार। देखिए यहाँ पे दर्शन मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है, ये नया मार्ग है, अन्य दिनों की अपेक्षा जैसे सावन है नवरात्र है काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे भीड़ होता है, तो नए मार्ग से जाना होता है। नहीं तो अन्य दिनों में रोपवे से उतर कर आप डायरेक्ट सीधे मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। ऊपर से खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, हर कोई चाहता है इसे कैमरे में कैद कर लेना। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ पे घुमाने के बाद हम अल्लाह उदल का मंदिर दिखाएंगे, वहाँ का सरोवर दिखाएंगे और उनका अखाड़ा भी दिखाएंगे, जहाँ पे बहुत सारी जो मान्यताएं हैं प्रचलित है वो सभी कुछ आप सभी को हम इस वीडियो में दिखाएंगे। 15 रुपये में भोजन मिलता है भरपेट, वो भी आप सभी को हम दिखाएंगे। देखिए दर्शन करके हम लोग वापस निकल के आ चुके हैं जय माँ शारदा भवानी। और यहाँ पे देख रहे हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में भीड़ है। जैसा कि देख रहे हैं आज हम माता रानी के दरबार में हैं, माँ शारदा भवानी के, और हमेशा यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। और 2 लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और दर्शन करके कैसा लगा, कितनी बार ये यहाँ पे आ चुके हैं, क्या कोई मन्नत मांगे थे वो पूरी हुई है या क्या है, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले भैया अपना नाम बता दीजिए। जय प्रकाश, बनारस से। अच्छा बनारस काशी से हैं, आपका नाम? प्रकाश सिंह। अच्छा कहाँ से हैं? बनारस। बनारस से पहली बार यहाँ आए हैं? यहाँ पे हम लोग आते हैं रहते हैं, 10-12 साल हो गया। अच्छा 10-12 साल से आ रहे हैं, हमेशा आते रहते हैं? आते रहते हैं। चलिए तो अच्छा, इतना कृपा है कि हर साल आते हैं। अच्छा जो मांगते हैं वो मिल जाता है, बिन मांगे हुए। अच्छा। माँ की ये कृपा है कि हम लोग हर साल आते हैं दर्शन करने के लिए। आप पहली बार आए हैं यहाँ? नहीं नहीं हम भी बहुत बार आए। अच्छा मतलब हमेशा आते रहते हैं? आते रहते हैं। तो कैसे आए, ट्रेन से आए हैं या कैसे? बाई ट्रेन आए हैं। अच्छा ट्रेन से आए हैं। तो यहाँ पे मतलब कैसा माहौल लगता है, पहाड़ के ऊपर माता रानी का मंदिर और ये खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे, कितना आपको प्रभावित करता है? यहाँ आने के बाद तो पूछिए मत क्या नज़ारा है, एकदम मतलब आने के बाद एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, शरीर एकदम मतलब प्रकृति का अलग ही नज़ारा है। जहाँ कहीं में प्राकृतिक का भाई इतना खूबसूरत नज़ारा कहाँ जल्दी देखने को मिले।
आपको कैसा लगता है यहाँ आकर, मतलब ये जो प्राकृतिक नज़ारे हैं या जो मान्यताएं हैं यहाँ पे माँ शारदा भवानी के, अल्लाह उदल के बारे में कुछ सुना होगा आपने, तो कैसा लगता है एक यहाँ आकर आपको, कुछ चमत्कार वगैरह? नहीं, माता रानी का तो चमत्कार है ही है, सब लोग जान ही रहे, इसीलिए सब लोग आते रहते हैं माता रानी का। यहाँ आपको जो ये कहानियाँ प्रचलित है अल्लाह उदल का, इसको आप जानते हैं? अल्लाह उदल के बारे में उतना जानकारी नहीं है, बाकी दर्शन करने आते हैं अब इतना वो जानकारी नहीं है। यहाँ पे मतलब अकेले आए हैं या कितने लोग आपके साथ आपके साथ हैं? फैमिली आए, परिवार के साथ आते हैं। तो जो लोग यहाँ पे दर्शन करने आए, तो मान लीजिए परिवार के साथ आते हैं, तो कितना खर्च आ जाता होगा एक अनुमान, कोई आए यहाँ पे दर्शन करने? मैक्सिमम खर्च एक आदमी का वही 2000 के आसपास आ जाता है, बाई ट्रेन से आते हैं। मतलब पूरे परिवार का, मान लीजिए आप ग्रुप लेके आते हैं, तो 4-5 हज़ार में हो जाता है, 4-5 हज़ार का खर्च आ जाता है, रहने खाने का व्यवस्था। जा रहे हैं जो कि घने जंगलों में है, वहाँ जाने के लिए आपको रिजर्व करना होगा, 4-5 लोग हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो 1-2 लोग हैं तो 100 रुपया लगता है, वहाँ पे टेम्पू वाला आपको ले जाएगा, वहाँ घुमा के आपको वापस ला के पुनः मंदिर तक छोड़ देगा मात्र 100 रुपया में, तो इसलिए आप रिजर्व करके घूम सकते हैं जंगलों में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए हम लोग आ गए हैं अल्लाह देव मंदिर, और इसके पीछे ये जो सरोवर है, ऐसी मान्यताएँ हैं कि यहीं से अल्लाह उदल जो माँ शारदा के अनन्य भक्त हैं, जो आज भी ऐसी मान्यता है कि वो जीवित है, और सुबह वो पुष्प तोड़ के माता के चरणों में अर्पित करते हैं, और ऊपर पहाड़ियों पर आप देख रहे हैं जो ऊपर सबसे ऊपर पहाड़ी माँ शारदा देवी का मंदिर है, और ये अल्लाह देव मंदिर है, इसी के पीछे वो सरोवर है। तो आइए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं जो मान्यताएं हैं कि जहां से सरोवर से अल्लाह उदल जी अपना पुष्प तोड़कर माँ शारदा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं, यही वही सरोवर है जो कि पुराने काल से चला आ रहा है मान्यताओं के अनुसार, और यही कमल का पुष्प है, और ये दूर दूर तक देख रहे हैं पहाड़ का अद्भुत नज़ारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। साक्षात अगर आप यहाँ पे खड़े होते मेरे जगह, और ये बीचों बीच तालाब पुष्प का, और ये खूबसूरत पहाड़ी, और यहाँ पे आए हुए सैलानी या कहें या जो दर्शनात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, उसका एक अलग ही अनुभव है यहाँ आने का। काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ कभी भी आइए मैहर धाम में तो अल्लाह उदल का मंदिर आइए, वो सरोवर देखने अवश्य आइएगा आप। रिजर्व ही आता है, टेम्पू 100 रुपया लगता है, क्योंकि यहाँ पे सार्वजनिक साधन नहीं चलते हैं, जंगलों में बीचों बीच जंगल में है, और यहीं से जैसा मैंने दिखाया कि यहाँ इसके ठीक ऊपर माँ शारदा देवी का मंदिर है, और ये वही सरोवर है मान्यताओं के अनुसार। ठीक है, तो आइए इसके जो जल है इसको हम स्पर्श करते हैं। सरोवर का दर्शन करने के बाद हम लोग अल्लाह अखाड़ा आ गए हैं। अब हम उस जगह पे हैं जहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे अल्लाह उदल जी का अखाड़ा है, यहाँ पे वो मल्ल युद्ध किया करते थे, और ऊपर पहाड़ियों पर देख रहे माँ शारदा का मंदिर है, और वहीं से वो यहाँ से आशीर्वाद लेते थे, और माँ का आशीर्वाद सीधा एक तरह से कहिए तो सीधा दर्शन होता था माँ का। तो ये वही का अखाड़ा है अल्लाह उदल जी का, ऐसा माना जाता है। इसको घेर के एक अच्छा स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप कभी भी मैहर घूमने आए तो यहाँ पे जरूर घूमने आइएगा। इस तरीके से हमारा मैहर धाम यात्रा यहीं पे समाप्त हुआ है। अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। अच्छी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि कोई मैहर धाम यात्रा पे जाए तो उसे किसी भी प्रकार का रहने का, खाने का, ठहरने का कोई समस्या न हो। मिलते अगले हैं वीडियो में, नमस्कार।